बहुत अच्छी लड़की है, मतलब बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मुझे बहुत अच्छा उसका नेचर लगता है और वो बहुत दिन भी सारे दोस्त हैं, सब लोग को हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड लव यू सबको, स्पेशली मेरी चार दोस्त जो हैं। स्वीट है कि मतलब अच्छा भी नहीं लगता जब मैं कुछ बनाती हूँ और लोग हंसते हैं। जैसे सुबह को हो रहा है 8, मैं अभी जस्ट सोकर उठी हूँ। तो क्या बताइए, मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोने लगी हूँ, और मतलब सुबह में सोने लगी हूँ। दिन में तो पूरा दिन एक बार भी नहीं सोती, बट अभी मैं सुबह में 8 बजे उठने लगी हूँ, कभी कभी 9 बजे आ रहा है। ये रूटीन मुझे चेंज करना होगा, क्योंकि मुझे 8-9 बजे नहीं उठना है भाई। बट क्या करूँ, नींद आता रहता तो उठ जाती। और ये देखो आँख का हाल, इतना सोड़ी फिर भी आँख गड्ढे होते जा रहे हैं आँख में। तो बस अभी मैं सोकर उठी हूँ और अभी गर्म पानी पी लिया है। तो अभी चाय मैंने रौनक को बोला कि बना दो, थोड़ा सा लेजी लेजी मन था तो रौनक को बोल दिया। तो बस पहले उठने, तो बस अब देखते हैं आज क्या होता है। मैंने सोचा चलो आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो मैंने बस स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं चाय पानी पी ली हूँ, अब मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं अभी, फिलहाल पहले चाय पीते हैं उसके बाद देखते हैं। यार मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा अभी भी नींद आ रहा है, और आँख से पानी भी आ रहा है। तो देखते हैं आज पूरे दिन क्या करती हूँ मैं। वैसे तो आज, अरे आज निशा का बर्थडे है और 4 तारीख है। मैंने उसे विश भी नहीं किया, ना व्हाट्सएप पे कुछ लगाया। वैसे वो बुला रही थी, बहुत जिद कर रही थी। मेरा भी मन हो गया था जाने का, बट मेरी फिर मतलब मेरा ना मन ट्रेन से और बस से आने जाने से ना, ज़्यादातर तो ट्रेन से हम लोग आते जाते हैं, मन मेरा ये हो चुका है इसलिए नहीं जा पाया। मन तो कहीं ना कहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ, बट इतना ना जाना हो गया ना। तो पहले निशा को विश करते हैं, फ़ोन करके उसको और मैसेज करते हैं, तब मैं आप लोग से मिलती हूँ। उसका आज बर्थडे है तो चलो पहले उसको विश करती हूँ। तो चलिए अब चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा धूप किया हुआ है, बहुत कड़ा अभी से 8 बजे से। तो बस हमारा चाय और ये, तो पहले चाय पी लूँ। तो निशा से बात कर ली मैं, आज निशा का बर्थडे था तो बात कर ली, जाना था बट नहीं गई। और परसों है फ्रेंडशिप डे, तो आज कुछ दिया नहीं करूँगी मैं जल्दी से। आज मैं सोची हूँ नाश्ता वास्ता बनाकर और बैठेंगे, क्योंकि कल भी सोची थी मैं कि कुछ अच्छा सा डिनर करूँगी, आर्ट करूँगी, बट ये रूम साफ़ सफाई क्या पता कितना मैं साफ़ करती हूँ, नहीं हो पाया था। तो आज सोच रही जल्दी करूँगी और आज भी मैं इसी रूम में हूँ। चलो आप लोगों को एक गोलू मोलू से मिलाती हूँ। मिस्टर, इसका नाम क्या रखा है, जैड। ये मिस्टर जैड जो बिग बॉस में आया है वो नहीं। बस ये है मिस्टर जैड। तो है मिस्टर जैड, हेलो कैसे हैं आप? आई एम फाइन, व्हाट्स गोइंग ऑन? नथिंग। तो मिस्टर जैड अभी बैठे हुए हैं और ये पूरे दिन इस चेयर पर ही बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं हैं। हेलो मिस्टर जैड, कितने बार हेलो बोलोगी? मिस्टर जैड बोल रहे हैं कितने बार हेलो बोलोगी। लुकिंग सो ब्यूटीफुल जैड, लुकिंग क्यूटी पाई जैड, जैड जो है क्यूटी पाई लग रहे हैं। तो इन्हें मैंने एक लोकल मार्केट से खरीदा था जैड को, तो मैं बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने इसे यहाँ बैठा दिया। अभी इसका नाम हो गया है, मैंने मिस्टर जैड नाम रख दिया है। ये थोड़ा लग भी रहा है अंग्रेज टाइप से, अंग्रेज का बच्चा, तो इसलिए मैं रख दिया।
आप चाहो तो मिस्टर जैड से हाथ मिला सकते हो। हेलो मिस्टर जैड। अरे बस कर यार, कितना बोलेगी। ठीक है अब नहीं बोलूँगी, चलो इसे बैठने दो। बाय मिस्टर जैड, बाय। तो फिलहाल मैं अभी आ गई हूँ किचन में और रौनक गया है पनीर लाने। तो आज वैसे तो सब्जी बहुत सारा है, बट सब्जी खा के यार बहुत ज़्यादा मन ये हो चुका, तो मैंने बोला कि कुछ आज लाओ ताकि थोड़ा अच्छा बनाया जाए। वैसे तो सावन में 2 मंथ सावन था तो नॉनवेज तो खाना ही नहीं था, तो नॉनवेज का तो वैसे भी मेरा वो लोचा नहीं है कि मुझे नॉनवेज ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बस हल्का फुल्का। मेरा तो मन भी कभी कभी करता है कि मैं नॉनवेज छोड़ दूँ। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ, कि बहुत सारा बैगन आगे रखा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि बैगन का बना दूँ भाजी। मैं नहा ली, अभी जस्ट नहाई हूँ और थोड़ा सा ये लिप ग्लॉस लगाई हूँ बस, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था और मैं वीडियो में कुछ ज़्यादा ही सिंपल बन के आ जाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो। और वैसे भी जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो फ्रेंडशिप डे पे है और किसी के लिए स्पेशल है, तो अभी तो वो जाएगा ही शॉर्ट वीडियो में, इससे उससे पहले शॉर्ट वीडियो चला जाएगा तभी ब्लॉग जाएगा, तो इसमें मैं बता सकती हूँ आराम से। तो मेरी फ्रेंड है तो उसके लिए मैं बना रही हूँ कुछ अपने हाथ से, DIY करूँगी तो उसी के लिए। तो आज मैंने ये वाला, आप लोग सोच रहे होंगे कितने में ये सर ड्रेस पहन रखी हूँ ऐसे, तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना है क्योंकि ये ड्रेस उसी ने दिया था मेरे को, तो वो मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट की थी, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कुछ नहीं होता होगा, तो इसलिए मैंने उसका ड्रेस पहना। जा रही हूँ अब थोड़ा सा, अभी जस्ट मैं नहाई हूँ तो मैं सोची कि अब चलो बनाते हैं, तो चलिए थोड़ा बैठती हूँ मैं कहीं आराम से और अपना इससे बैठती। बट यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा है, क्या पता क्यों लाइट इतना जल भी रहा है फिर भी वीडियो में उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो मैंने सोचा चलो नहावा कर, अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं, मैंने सोचा चलो रेडी होती हूँ और मतलब बैठती हूँ बनाने। हाँ दुख रहा है यार। तो बस पहला बार मैं कुछ अपने दोस्त के लिए DIY करने जा रही हूँ और ये क्या बोलते हैं दोस्त के लेकर ये ब्लॉग मेरा ये है, तो बस मैं यही बोलूँगी कि पूजा तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये ब्लॉग में देखे वो शायद देखेगी तो बोलेगी, तो पूजा सही में मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक होता है यहाँ पर तो वो बहुत केयरफुल लड़की है, बस इतना ही उसके लिए वर्ड है कि वो बहुत केयरफुल लड़की है। मेरे को तो खास कर बहुत ज़्यादा ये करती है, इसलिए मैं उसकी, और मैं तो सच बताऊँ तो मैं उससे बहुत दिल से दोस्ती निभाती हूँ, भले ही कम दिन के है, कम दिन का ही दोस्ती है, बट मैं उससे बहुत दिल से, मुझे ना सबसे पहले मेरा बहुत सारा काम हो जैसे कॉलेज में कुछ भी हो, बट मैं उससे नहीं छोड़ती, मेरा उससे ऐसा लगाव है कि मैं, बहुत सारे लोग होते हैं कॉलेज में बट मेरा उससे है लगाव कि मैं सबसे तेज है, वो ब्लॉग देखेगी तो शायद क्या पता क्या होगा उसका रिएक्शन। तो बस चलो पूजा के लिए कुछ DIY करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को करके। तो फिलहाल मैं पूजा का ड्रेस पहनी हूँ, तो आप लोग बताना कि कैसी लग रही है ये पूजा ने दिया है, ऐसा कुछ फ्रॉक टाइप का है, तो चलो बनाते हैं और दिखाते हैं। और यार मैं सब चीज़ कर लूँगी बट मैं अपना बाल नहीं झाड़ूंगी, बाल कर दूँगा यही है, मैं पौनी कर हाई में सॉरी जूड़ा कर रहती हूँ बस, इसके अलावा मुझे बाल झाड़ना यार मन ही नहीं करता। पहले इतना शौक था कि मैं सबका बाल झाड़ती थी, चोटी बनाती थी, बट यार अब नहीं होगा मेरे से, क्या पता कि मुझे खुद का बाल नहीं झाड़ने का मन करो तो मैं दूसरा का क्या ही बाल बना सकती हूँ, तो बट अच्छा लग रहा है ऐसे भी। तो बस चलो अभी मैं कुछ खाई नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कुछ नाश्ता थोड़ा सा कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ DIY करूँ। तो वैसे सब मेरे जितने सारे दोस्त हैं सब लोग को हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड लव यू सबको, स्पेशली मेरी 4 दोस्त जो हैं स्वीटी, प्रीति, वंदना और पूजा, ये 4 मेरी मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो इन सब लोग को हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड लव यू गाइज, तो वो लोग ये ब्लॉग देखना। तो गाइज देखो मेरा हाथ यार, मैंने ऐसा वाला पेंट यूज कर दिया जो वुडन था लकड़ी का, तो उसमें मैंने पेंट कर दिया, ये वाले जो आते हैं गेट वेट पर पेंट करने के लिए, मैंने सोचा थोड़ा स्ट्रिक रहेगा थोड़ा छूटेगा नहीं, तो मैंने उससे पेंट कर दिया, तो वो अभी सूखने में टाइम लग रहा है, बट मैंने सारा कुछ कर दिया जो मुझे करना था, बस अब उसमें एक चीज़ बच गया है, फ़ोटो लगाना है जो मेमोरीज है मेरा हम लोग के साथ में, तो वो लगाऊंगी मैं, बाकी सब मेरा बन के रेडी हो चुका है, मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। मैं फिलहाल बैठी थी, अब तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, देखो
आपको, ये कुछ इस तरीके से है। अभी मैंने इसमें फंसा कर रखा है, तो बस अब इसमें सारे में फ़ोटो लगाना बाकी रह गया, तो मैं फ़ोटो लगाऊंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मुझे खुद से शूट करना था, और ये ऐसा वीडियो था कि जिससे मुझे किसी को मतलब हेल्प चाहिए था, क्योंकि पूरा मोबाइल में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कैसे कैसे शूट किया, उसको खुद से अकेले बनाओ और मोबाइल के एंगल को देखो कि कहाँ क्या है, तो मैंने शूट किया। बस अभी मेरा सारा फाइनल हो जाए, जल्दी से बन जाए, रौनक शायद आ जाएगा, तब मैं इसमें फ़ोटो लगाऊंगी। तो इसके बाद तब तक मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ। उसके बाद जब फोटो लगाऊंगी तब लोगों को दिखाऊंगी। चलो मैं पहले वाला तो मेरा कंप्लीट हुआ, जो मैंने वॉल हैंगिंग फोटो फ्रेम वाला जो बनाया, तो वो अब कंप्लीट हो गया। क्या है ये SSC देखें, तो मेरा सर भी दर्द दे रहा है यार। तो मैं अभी सुबह से उसमें लगी, तो मैंने अपना कपड़ा चेंज कर लिया, बिकॉज लाइट कटा हुआ है, बहुत देर से लाइट कटा हुआ है। और क्या बोलते हैं, मेरा उसमें वो लॉन्ग ड्रेस था पूरा फुल, तो मैंने जो वीडियो बना था उसमें बना दिया। उसके बाद मैं अभी खोल ली और चेंज कर ली, अपने कैपरी और टी शर्ट में आ चुकी हूँ। तो अब मैं दूसरा चीज़ बनाने जा रही हूँ, दूसरा DIY करने जा रही हूँ। पहला DIY हो गया, आज मैंने सोचा था बहुत सारा DIY करूँगी, जो मैं उसे गिफ्ट करने वाली हूँ अपनी फ्रेंड को, तो बट अभी मैं दूसरा बनाने जा रही हूँ, तो उसे अभी बना लूँ, तब अब मैं आपको दिखाऊँ। क्या पैसा नहीं देंगे क्या, ग्लेट बना देती हूँ। तो चलो पहले उसे बनाती हूँ और उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ, तभी मैं पूरा दिन आज आपको DIY करते दिखूँगी। चलिए अब उसका आप लोगों को वीडियो शेयर। फाइनली अभी मेरा ख़त्म हुआ, जो मुझे बनाना था वो मैंने बना लिया। बहुत आज पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया, और मेरा देखो टेबल वेबल कैसा हुआ है, सारा इधर उधर सामान हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा सबको सेटअप कर लूँ। तो मैं बनाने वाली थी जो एंकलेट, वो बना ली, और जितना कुछ मैंने DIY किया है उसके लिए जो मैं बनाने, सारा कुछ इसमें पैक करूँगी, इसे भी मैं थोड़ा सा अच्छा सही करूँगी। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पहले, और गर्मी से हालत ख़राब है क्योंकि लाइट कटा हुआ है, देखो। तो ये वाला एंकलेट मैंने अभी बनाया, जस्ट बहुत खूबसूरत प्रिटी लग रहा है, देखो ये वाला। तो ऐसा मुझे भी अपने लिए एक बनाना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एंकलेट, तो मैं जल्दी से बनाऊंगी। और वो वाला अभी मैं वहाँ टांग दी हूँ, फ़ोटो उसमें से निकाल दी हूँ, ताकि फ़ोटो ख़राब ना हो, इसलिए मैंने वहाँ पर अभी छोड़ दिया उसे ऐसे ही। जब उसे देना होगा पूजा को, तो मैं उसे फ़ोटो लगा कर दूँगी उसे। और ये एंकलेट बनाई हूँ, तो अब मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, जिसमें उसे जितना कुछ मैं अपने हाथ का DIY देने वाली हूँ, तो वो सारा कुछ दिखाऊंगी। तो बस भाई साहब, गर्मी से हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है, लाइट नहीं है यार। तो अभी से रखते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा घर में मैं झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि मैं सुबह से जो काट छाट फाट कर उसे, रूम का पूरा हालत ख़राब है। तो मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा फिर एडिट करूँगी, क्योंकि आज ही मैं जो वो बनाई हूँ उसका जो मैं DIY करी हूँ उसका आज ही मैं डाल दूँगी, पोस्ट करूँगी शॉर्ट वीडियो में, तो उसे आप लोग देखना। तो बस अभी से मैं बाहर दूँ, थोड़ा सा साफ कर लूँ, तो खुशी भी होता है मुझे जब मैं कुछ अपने हाथ से चीज़ बनाती हूँ, और जो अच्छा लगता है, भले ही उसका अहमियत कोई ना समझे। तो मैं बोल रही थी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने हाथ से कुछ DIY करती हूँ, पहले ही उसका अहमियत कोई नहीं समझता हो, या फिर कोई कुछ भी कहता हो कि क्या दिन भर करती है ये वो, बट मेरा जो मन करता है मैं वो कर रही हूँ। मेरा मैं बचपन से छोटी थी, जब थी एकदम छोटी सी थी, तब से मुझे बहुत ज़्यादा पेंट करने का, आर्ट करने का, क्राफ्ट करने का, मतलब बहुत ज़्यादा शौक है।
बहुत ज़्यादा मेरे अंदर ऐसा था, तो मैं कर रही हूँ। और तो बाकी लोग का मुझे, बाकी जो लोग कुछ बोलते हैं तो मैं उतना नहीं ये सोचती हूँ कि चलो बोलने दो, बोलने वाले का क्या काम है बोलना है। तो बस मैं आज बहुत ज़्यादा डिया की हुई और गर्मी से हालत ख़राब है, तो बस ये कहूँगी कि मेरा जो मन करता है वो मैं कर रही हूँ, और मेरा मन था कि बोलते हैं तो हंसते हैं या फिर तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट छोड़ो इतना नहीं होता है। तो चलो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से थोड़ी देर में, थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ सुबह से जो जो बनाई हूँ। और ये कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। तो बस मिलती हूँ गाइस आप लोग से। उठी हूँ